हजरत फातमा का मेहर था जिसे बनाया गया वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ कहीं जिक्र है जेस का हजरत उस्मान का घर भरा हुआ हर चीजें मौजूद वहां पर तो तो जेस का तस्करा नहीं बहरहाल ये शादी को आसान करो जिना को मुश्किल बनाओ यहां शादी के लिए नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी वरना यह कि बड़ी हो रही है उम्र हो रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ तकाजे तो है ना आखिर कुछ तो करना होता है ना आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना बारात तो आखिर आएगी ही ना कुछ ना कुछ, कुछ तो देना ही होगा कुछ जोड़े कपड़े कुछ ये इस्लाम का फलसफा जो मैंने चार पांच बातें आपको बता फलसफा ये है कि लड़की के बाप पर एक पैसे का बोझ नहीं लड़की पाल पोस के तुम्हारे हवाले कर दिया अब और क्या चाहते हो तुम तो? सारा मर्द मर्द आजमा मर्द आफरी मर्द को चैलेंज दिया है तुम मर्द हो मेहर तुम दोगे और सबसे बढ़कर क्या हो रहा है आजकल भी होता है वो हमारे एक कुछ काम होते हैं इस्लामी वो भी है कुछ वही हिंदुआना हिंदु निकाह की बहफिल में छुहारे कौन लेके आता है जी लड़के वाले और पुलाव से खाते हैं भाई जिसको तुम्हें मुर्ख पुलाव खिला रहा है वो छुहारे नहीं बांट सकता था यह है इस्लाम और गैर इस्लाम का इम्तजाज छुहारे लड़के वाले लेकर आएंगे और फिर दावत उड़ाएंगे लड़की वालों की तरफ से